बोलते थे क्या बोलते थे? संभाषण करते थे यानी कुछ कुछ मैंने कुछ ना कुछ अच्छाई बातों को वो बताते थे, वह हमेशा बोलते थे, संभाषण करते थे। ठीक है, सुनिए आगे। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ, सबको याद हो गया, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद मैंने बताया है लेड बेटर किन में विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे, किसको देखते थे, तो ये भी याद रखना, जय कृष्ण मूर्ति जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तब तक आप लोग बताइएगा कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, बताओ बिना ऑप्शन के आप लोगों को कमेंट करना है, जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। मोबाइल का नेट कब खत्म हो जाएगा मुझे पता नहीं है, 90% खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, विकास का सही है, बबलू कुमार सिंह का सही है, सर आप फास्ट पढ़ाइए, डाटा खत्म हो जाएगा। देखो कॉल भी आ रहा है, चलिए ठीक है, आप लोग अपना आंसर दीजिए। विकास बेफाई बकलोली आंसर ठीक ना दे रहा है, शबनम का सही है, उसके बाद रिहान का सही है, बबलू, विकास, ये सभी का सही आंसर, रितेश गुप्ता इनका भी सही है। चलो, और 1995 रे बकलोली, 1995 कहाँ से हो जाएगा, 100 साल पीछे जाओगे। अभय का सही है, नहीं है अभय सही नहीं है। चलिए चलिए बताइए जल्दी, 1895 या 1896, लो ऑप्शन बता दिए, 1895 या 96, आ गया घमंडी, कहाँ कहाँ से इतना सुन ले, बना लेते हो जल्दी, 1985 या 1980, ठीक है, ए हो गया, एगो बी हो गया, और सी में हो गया 1895, और डी में हो गया 1986 डाल दो। ठीक है, तो सबका आंसर जो होगा, पूजा सिंह का भी सही है, सर जी फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं आपके मम्मी, अच्छा ठीक है, बात कर लेंगे, मम्मी से भी बात करेंगे, क्लास खत्म हो रहा है तो, सॉरी सर गलती से टाइपिंग हो गया था, कोई बात नहीं है, आप लोग अपना गलती स्वीकार कर रहे हैं वो तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आइंदा गलती ऐसा मत कीजिएगा, कमेंट करना है कमेंट कीजिए ऐसा, ताकि कुछ बोलना ना पड़े। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो आंसर जो होगा 1895 करेक्ट होगा, और विशाल का भी सही है, तो यहाँ से आप लोगों का मैंने जो भी है आंसर सबका सही है, जिसका गलत हो गया है तो आप लोग सुधार लीजिए। आगे सुनिए, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, याद रखना, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो याद रखना पूंजीपति से, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, तो याद रखना किससे लड़ रहा है, तो ये बात याद रखना पूंजीपति से इतना बात याद रखना, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो पूंजीपति से। अगला क्वेश्चन सुनिए, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा से क्या मिलती है, तो व्यापकता मिलती है, सच्ची शिक्षा आएगा, सच्ची शिक्षा, ये दो बार क्वेश्चन मैंने बता दिया है, सच्ची शिक्षा आएगा मेरे दोस्त, तो व्यापकता याद रखिएगा, व्यापकता देख लो बचपन में इस सबको, तो बात मैंने पढ़ा दिया है। आगे सुनिए, जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म भी बता दिया मैंने, हाँ आगे है, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार यानी जिद्दू कृष्ण मूर्ति के अनुसार, संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व किस ओर अग्रसर है, किस ओर अग्रसर है, माने आगे है, अग्रसर है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा नाश की ओर, हेलो ना सीधा सीधा बता दिए, नाश की ओर। ठीक है, देखते हो ना कितना चीज आ रहा है, कोरोना वायरस क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ये कलयुग में ही आ रहा है, पहले वाला युग में ये सब नहीं आ रहा है। तो उनका कहना है कि जय कृष्ण मूर्ति संपूर्ण विश्व में किस ओर अग्रसर है, किस ओर आगे है, तो सबसे अधिक क्या है बताइएगा, आंसर बताइएगा नाश की ओर। ठीक है, नाश यानी पृथ्वी पर भी मैंने जितने भी आदमी है सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आने वाले कुछ वर्षों तक, तो याद रखना उनका कहना है कि संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, तो याद रखना नाश।